फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आओ खेले 47। और हमेशा की तरह एक बात पहले ही, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बाद जो घंटी का निशान होता है उसे ज़रूर दबाइए नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो गेम है इसका नाम है आइडेंटिटी 5। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं और हमारे कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर कुछ और वीडियोज़ बनाऊँ। तो यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ज़्यादातर या तो मैंने सर्वाइवर जो मैंने खेला है उसके ऊपर वीडियो बनाया है, या फिर मैंने एज ए हंटर खेला है उसके ऊपर वीडियो बनाया है ऐसा। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं दोनों में आपको साथ में बनाऊँगी, वही हंटर और सर्वाइवर। मींस इसमें मज़ेदार बात आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो हंटर बनके मैंने जो गेम खेला है उसका नाम है स्माइली फेस जोकर, और मैं जब सर्वाइवर थी तब हमें वही हंटर आया था स्माइली फेस। तो मैंने स्माइली फेस बनकर किस तरह से सर्वाइवर को उड़ा दिया वो मैं आपको बताऊँगी, और जब हमें स्माइली फेस आया था तब हमने उसको कैसे पागल बनाया और हमको विक्ट्री मिली वो, तो वो वाले गेम प्लेस मैं आपको यहाँ पे दो बताना चाहती हूँ और आई होप आपको अच्छे लगेंगे। तो और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें मेरे बहुत सारे अकाउंट्स है, इसका है तो उसमें आपको कॉमन नाम मिलेगा, तो मैं आपको और मेरे दो है और दो तीन है एक्चुअली, तो कोई स्काई लाइटनिंग है, स्काई गोल्डन है, और ये मेरा स्काई थंडर है। लेकिन इसमें मैंने ज़्यादा इसे आगे पहुँचा इस गेम को, एज अ स्काई थंडर मैंने ज़्यादा इस गेम को आगे पहुँचा है, बाकी उसमें उतना ज़्यादा मैंने ज़्यादा यानी कि हाई टीयर का कोई मैंने गेम प्ले उसमें नहीं किया हुआ है। तो इसमें मैंने एक्चुअली रैंक मैच वगैरह भी खेले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा बात न करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ये गेम खेलिए, बहुत ही अच्छा गेम होता है, इसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए ये मेरा प्रोफाइल है। इसमें ज़्यादातर लोग कभी कभी मुझे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका आईडी क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है स्काई थंडर, और ये मेरी आईडी है 222448777। तो फ्रेंड्स, अभी मैं फिर भी मैं ज़्यादा ही बात कर रही हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पॉज कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है यानी कि मैं आपको परफ्यूमर का एक आपको ये गेम प्ले बताऊंगी। ये एक दूसरा अकाउंट जो मैंने कहा था कि बहुत सारे अकाउंट्स आप बना सकते हो, एक मेरा दूसरा अकाउंट है स्काई गोल्डन करके, तो इसमें परफ्यूमर का जो गेम प्ले मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। तो इसमें जो हमारा हंटर है वो आया था स्माइली फेस जोकर, और इसके पास जो उसके जो पार्ट्स गिरे रहते ऑलरेडी मैप पे वो जमा करके एक लॉन्ग डैश वो बना सकता है, ताकि वो किसी भी सर्वाइवर के पास जल्दी पहुँच जाए और उसे डायरेक्टली मार सके। तो यहाँ पे अभी हमारा मैप है ये, और ये जो मैप है वो बहुत ही अच्छा है एक्चुअली सर्वाइवर की तरफ से, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी काइटिंग के एरिया होते हैं। यहाँ पे देखिए दो कोऑर्डिनेटर्स है, ये देखिए। तो ये जो कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे टाइम पास करिए, ज़रूरी नहीं आप इसे बिल्कुल भी मत कीजिए, आपके पास बहुत सारा यानी कि आपके पास टाइम नहीं है, आप जब शुरू होता है गेम कहीं पर टाइम पास मत कीजिए। देखिए टाइम पास करिए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ये बकवास बात है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये गेम खेल रहे हैं तो आप ये टाइम पास मत कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं हूँ स्काई गोल्डन, और 1 2 3 ये कुछ भी नाम दे देते, तो क्यों पता है, क्योंकि ज़्यादातर नाम लेते नहीं ऑलरेडी होते हैं। तो हमारे एक इसका स्ट्रॉम है हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने भी 1 2 3 लगाया तो मैंने लगा दिया यहाँ पे। और ये देखिए दूसरी परफ्यूमर यहाँ पे है, एक कोऑर्डिनेटर, दोनों भी यहाँ पे करें मिलके बहने ये लोग। लेकिन टाइम पास मत कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। इन लोगों के पास ये जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके पास गन होती है फ्लेयर गन, जिससे वो अपना बचाव कर सकती है। किसी को बलून में भी अगर हंटर ने उठाया है तो उसे बलून में से उसे बचा सकती है, और किसी को अगर बचाने जा रही है तो भी वो अच्छा कर सकती है, यानी कि उसे मार दे गोली फिर उसे बचाए, ताकि वो स्टंट होते रहता है हंटर बहुत देर तक, तो आड़ा टेढ़ा होगा तब तक जो बच रहा है शख्स वो जल्दी से वहाँ से जा सके, या फिर अगर खुद हो जख्मी है खुद लेकिन वो बचा कैसे सकती है, क्योंकि जख्मी लोग फिर से अगर चेयर की तरफ जाए तो गिर सकते हैं, पांगड़े गिर सकते हैं, लेकिन वो गन के जरिए भी उसका बचाव कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए हंटर पे टाइम पास कर रहा है, इतना टाइम पास उसे नहीं करना चाहिए। अगर आप हंटर भी खेल रहे हो तो आप ये टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि इसके पास जल्दी पार्ट्स मिल जाते हैं, पता नहीं इतने सारे पार्ट्स को क्यों जमा कर रहा है। उसे अगर एक एक पार्ट मिल रहा है तो भी ठीक है, और वो पार्ट जमा करके जब वो लगाएगा तो लॉन्ग स्टंट कर सकता है। तो इसने ये जमा लिया है, और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि ऊपर कान दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, उससे हंटर को ये पता चलता है कि आसपास सर्वाइवर है। तो देखिए ये दूसरी परफ्यूमर उसके पास वो पहुँच गया है, उसकी थोड़ी सी मशीन है, और परफ्यूमर की खासियत मैं आपको ये भी बताती हूँ कि उसके पास परफ्यूम होता है जिसमें अगर उसको जब पता चलता है कि मुझे अभी अटैक मुझ पर पड़ने ही वाला है, मुझे अभी फाइट एक फटका पड़ेगा ही, तब उसने जल्दी से परफ्यूम का इस्तेमाल करना है,
ताकि क्या होता है कि उसे जैसे ही फटका पड़ता है वो परफ्यूम में वापस जा सकती है। और कभी कभी लोग अपने बचाव के लिए पहले भी इसे इस्तेमाल करते हैं, वो ओपन में होते हैं, लेकिन हंटर क्या करते हैं, उस परफ्यूम को ही देखते बैठते, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ करते हैं परफ्यूमर की, खामक परफ्यूम में वापस आ जाते हैं तो उन्हें पड़ती है। और हाँ, इसकी कूलिंग डाउन होने में उसको टाइम लगता है। देखिए, उसकी कूलिंग डाउन नहीं हुई थी, 8 सेकंड का टाइम होता है। एक बार हमने परफ्यूम इस्तेमाल किया है तो फिर से वो परफ्यूम दूसरा इस्तेमाल करने के लिए 8 सेकंड का गैप होता है, तो इसका नहीं था। और ये बहुत बड़ी गलती ये कर रही है कि उसकी थोड़ी सी मशीन है तो करने की कोशिश करिए, लेकिन इसे नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये गलती मैंने बोला था कि परफ्यूम में डायरेक्टली वापस आ गई, ऐसा नहीं आना है। यही गलतियाँ लोग करते हैं और उन्हें ये पड़ जाती है। और हाँ, आप अगर मशीन थोड़ी सी भी बची हो तो उसको वहीं पे मत मरते रहिए। आप एक काम कीजिए, आप टाइटिंग करते रहिए, कोई ना कोई तो मशीन कर ही देगा, या फिर आप जब बच के कहीं जाओगे तब फिर से आकर वो कर लीजिए, लेकिन वहीं के वहीं जब हंटर है तो ऐसा मत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, दोनों है कोऑर्डिनेटर, इन लोग के पास गन होती है, आसानी से बचा सकती है, लेकिन आप उसका वेट मत कीजिए। अगर आप उसके करीब है, आप सर्वाइवर खेल रहे हैं, आप उसके करीब है तो आप बचाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, आप देखिए परफ्यूमर कैसे बचाते हैं। जैसे कि ये देखिए, इस तरह से मुझे परफ्यूम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसने एक जो गलती की, उसने चेयर को ही मार दिया। जब भी वो अटैक करता है और किसी को लग जाता है तो स्टाइल करते रहता है। अगर वो चेयर को भी मार देता है तो भी वो स्टाइल करेगा। देखिए, मेरे पीछे पड़ गया। ये देखिए, मैंने परफ्यूम का इस्तेमाल किया था, आपने देखा, मैं यही कह रही थी। अगर आपको पता है आपको अटैक पड़ने वाला है, कर लीजिए जल्दी से। और मैं अपने परफ्यूम में वापस चली गई तो मैं हील हो गई फिर से। अब मुझे 8 सेकंड के लिए किसी भी तरह काट करना है। देखिए, मुझे फिर से पड़ी, मैं फिर से आ गई। इस तरह से मैंने किया, लेकिन यहाँ पे अपने गलती देखी कोऑर्डिनेटर की। कोऑर्डिनेटर ने खामखा उसे गोली मार दी, ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। वो अपनी फ्लेयर गन का उसने इस्तेमाल वेस्ट कर दिया यहाँ पे। हाँ, अगर मैं वहाँ पे पांगी पड़ी होती और अगर वो मुझे बलून में उठा रहा होता तो उसे गोली मारने की ज़रूरत थी, तो इसने वो गोली वेस्ट कर दी, जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है उसके लिए। अभी देखिए, वो अपनी हिफाजत के लिए यहाँ पे वो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन खामखा उसने पता नहीं वो गोली क्यों मार दी। और एक बात फ्रेंड्स, आपके बहुत ही करीब जब हंटर होता है तो कभी भी पैलेट मत डालिए। मैंने आपको बिगिनर के लिए जो गाइड बनाया था उसमें कहा है कि पैलेट डालते जाइए, लेकिन तब जब आपके करीब, उतने करीब ना होने तो आपको लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, इसने इसको उठा लिया, एक तो ये मिल गई, एक तो वो मिली थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसे हील कर रही हूँ, ये जो भी कोऑर्डिनेटर, और क्या मैं बोल रही हूँ, हाँ अभी कोऑर्डिनेटर जा रही हूँ। इसको देखिए, ये भाग रही खामखा, मैं चाह रही थी कि मैं उसे हील करूँ, लेकिन वो खामखा भाग रही है। अभी देखिए, यहाँ पे आ गई, और हम लोग को ज़रूरी है सिर्फ 2 मशीन करना है यहाँ पे। और ये देखिए, अभी इसने कैसे गलती की वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, अभी वो पांगी पड़ी है, देखिए वो बलून में उसे उठाएगा तब आप उसे गोली मारिए। इसने पहले ही गोली मार दी। अब बताइए यहाँ पे फ़ायदा क्या है, किसको फ़ायदा हो? आप देखिए, जो नीचे गिरी है उसका तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ये देखिए, अभी ये ऐसे बलून में उठा रहा था तब उसे मारना चाहिए था गोली को, तो उसने वैसा नहीं किया। अभी देखिए, इसको यहाँ पे इसने रख दिया। अब देखिए, सारे लोग जख्मी है, मैं ही उसे बचा सकती हूँ। लेकिन अब देखिए, ये पांगी परफ्यूमर को क्या ज़रूरत है वहाँ पे जाने की? मैंने आपको बिगिनर गाइड, बिगिनर्स के लिए जो गाइड बनाया उसमें बताया है कि आप जख्मी हो तो बचाने के लिए मत जाइए। देखिए, मैंने उसे बचा लिया यहाँ पे, और वो पांगी उसे मिल गई। ज़रूरत क्या थी इस पांगी को वहाँ पे जाने की? जब आपको पता है, आप भी जब गेम खेल रहे हो, आपको पता है कि आपके टीम में दूसरे लोग ऑलरेडी स्वस्थ है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, तो आप डिकोड कीजिए, आप वहाँ पे मत जाइए उस चेयर के पास। उसकी वजह से फिर से उसे बैठा लिया, वो तीसरी बार बैठेगी तो वो मरेगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने उसे डायरेक्टली बचा लिया एक्चुअली, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हंटर देखते बैठते हैं, वो पीछे था इसलिए मैंने उसे वहाँ से बचाया, नहीं तो क्या होता है उसकी चेयर भरने का वेट करते हैं, हमें हाथ लगाना ही पड़ता है, फिर हम भी पांगे पड़ जाते हैं, तो मुझे उस तरह से उसे बचाना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए, 2 मशीनें, मैं सोच रही हूँ कि ये 2 मशीनें देखिए यहाँ पे आ गया है, किसी भी तरह से हमें करना है, क्योंकि हमें इसे टाई नहीं दिलानी, हमें जीन चाहिए। देखिए, वो उस पांगी के पीछे इसलिए पड़ा क्योंकि वो जख्मी है, और यहाँ पे अभी इसे फिर से मुझे ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो भी है वो क्या बोलते हैं यार, वो जख्मी है, और जख्मी लोगों ने नहीं जाना चाहिए। जब आपको पता है आपके टीम में कोई स्वस्थ है तो आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि पांगे लोग ही भागते रहते, क्या ज़रूरत है, आप डिकोड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मुझे नहीं पता है कोऑर्डिनेटर डिकोड कर रही कि नहीं, तो मुझे कन्फर्म करना था कि कर रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि लोग नहीं करते, वो सिर्फ खामखा चेस ढूंढते रहते। ये देखिए, सोच रही कि मैं इसे हील करूँ, लेकिन ये देखिए, ये भी एक बात मैं आपको बताना चाहती है, जब लास्ट मशीन हो और कोई चेयर पे हो तो, और कोई स्वस्थ हो तो स्वस्थ ने डायरेक्टली जाना चाहिए बचाने के लिए, और जो जख्मी है उसने मशीन को प्राइम्ड करके रखना चाहिए। नहीं तो लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि वो एक दूसरे को हील करने में टाइम पास करते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि चेयर वाला भी मर जाता है, सिर्फ 2 लोग बचते हैं, या फिर हम लोग एक ही उसमें से निकल जाता है। सही बात नहीं है। देखिए, मैं आ गई हूँ, मेरे पास कोई परफ्यूम नहीं है, तो मुझे ज़ख्मी होकर ही उसे बचाना पड़ेगा। तो मुझे सिर्फ इतना है कि देखिए, उसने फिर से गलती कर दी, चेयर को मार दिया यहाँ पे, मैंने जल्दी से बचा दिया। अब देखिए, वो मेरे पीछे पड़ गया।
यहाँ पे वो कोई किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन अभी वो मेरे पीछे पड़ गए यहाँ पे, जबकि उसे उसके पीछे पड़ना चाहिए क्योंकि वो एक बार और चेयर पर बैठेगी तो उड़ जाएगी, क्योंकि उसके पास पहुँचने में मुझे टाइम लग गया था, लेकिन फिर भी देखिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो मेरा ये काम है कि मैं इसे इस तरह बिजी रखूँ यहाँ पे कि वो मशीन लास्ट वाली प्राइम्ड हो जाए और मैं पूरी तरह से हील हो जाऊँ, क्योंकि मेरे पास बोरो टाइम है। तो यहाँ पे देखिए मैं यही कोशिश कर रही हूँ, जो भी ऐसा रहता है शख्स जो लास्ट में हंटर के पास होता है, मैं क्या बड़बड़ा रही हूँ, लास्ट में उस हंटर के पास होता है, उसने उसे उतना बिजी करना चाहिए कि मशीन प्राइम्ड हो जाए। देखिए हो गई। तो यहाँ पे एक्चुअली लोगों के गिरने का वेट करना चाहिए जो भी काइट कर रहा है उसके, ताकि वो जैसे ही प्राइम्ड करे वो पूरी तरह से हील हो जाए। यहाँ पे देखिए एक्चुअली मैं पैलेट में अटक गई जिसकी वजह से मैं पड़ी यहाँ पे, और ये हंटर देखिए अब मेरे पीछा कर रहा है, और बाकी के लोग अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे यहाँ पे ही रहे ताकि वो उन लोग दरवाजे तरफ भी निकल जाए, ताकि एटलीस्ट टाई हो जाए, अगर मैं मर भी गई तो भी टाई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मुझे नहीं पता हंटर किस तरफ से आ रहा है, तो मैं सिर्फ देख रही हूँ कहाँ से आ रहा है। ज़्यादातर लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि वो सहरा वगैरह भागते रहते, ये नहीं देखते कि हंटर वाकई उसके पीछे है क्या नहीं, हो सकता है वो आपको मिस कर रहा हो, यानी मिस कर दिया हो उसने, तो आप ऐसे सहरा वगैरह मत भागिए। ज़्यादातर लोग ऐसे सहरा वगैरह भागते और उसी के मुँह में चले जाते हैं। ये देखिए उसने मुझे ढूंढा यहाँ पर, ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं मिली मैं उससे, यार मैं क्या बड़बड़ा रही हूँ। ये देखिए पास वाले दरवाजे के पास वो चला गया है, और इन लोग दूसरे दरवाजे के पास जाके अच्छे से इन लोग ने खोल के बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये भी अभी सोच रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं दूसरे दरवाजे पे जाऊँ, और देखिए मैं उसी दरवाजे के पास जा रही हूँ जहाँ पे हंटर गया हुआ है, लेकिन मुझे पता है अगर वो ये दरवाज़ा देख के चला गया तो फिर से उस दरवाजे पे नहीं आएगा, वो दूसरे दरवाजे के पास चला जाएगा देखने के लिए। देखिए लॉन्ग स्टंट बोल रही हूँ, उसका जो लॉन्ग डैश है इस्तेमाल करके दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहा है। तब तक मेरे पास टाइम है कि मैं ये खोलूँ यहाँ पे, और मुझे पूरी गारंटी है कि अब तक इतना तो टाइम है मैंने दिया ही लोगों को कि वो दरवाज़ा खोल सके उस तरफ का। तो देखिए ये हंटर वहाँ पे जा रहे हैं, उन लोग आराम से वहाँ पे नाच रहे हैं, देखिए यहाँ पे लोग टाइम पास कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अब जब दरवाजे पे चले जाते हो तो टाइम पास मत कीजिए, हो सकता है हंटर के पास डिटेंशन हो, उसकी लाल आँखें हों और फिर आपको एक फाइट में वो गिरा दे, तो टाइम पास मत कीजिए, बहुत लोग यही गलतियाँ करते हैं, तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत कीजिए। मैंने बहुत बार ये गलतियाँ करते हुए लोगों को देखा हुआ है। देखिए वो दोनों निकल गए, तो मैंने बोला अच्छी बात है मैं भी निकल जाती हूँ, तो इस तरह से विन है फ्रेंड्स। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये गेम है, समझ सोच के और अपने तजुर्बे से खेल सकते हैं। ज़्यादातर लोग बहुत गलतियाँ करते हैं कि डिकोडिंग भी नहीं करते, पता नहीं वो किस चीज़ का वेट करता है। अगर आप जख्मी है, आपके पास हंटर नहीं है, तो आप वो चेस्ट वगैरह मत ढूंढिए, अगर एक ही मशीन है तो करिए वो, क्योंकि वो प्राइम्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा अभी अगर वो कोऑर्डिनेटर ने प्राइम न की होती तो वहाँ पर तो कोई फ़ायदा नहीं था मेरा, क्योंकि मेरे पास बोरो टाइम था, इसलिए मैं वहाँ पर बच भी गई। वैसे भी हंटर के पास वैसे भी डिटेंशन नहीं था, अच्छी बात है, नहीं तो इन लोग तो यहाँ पे अभी मर जाते। तो फ्रेंड्स ये इस गेम में बहुत बारीकी है जिसके ऊपर ध्यान देके इसे खेलना चाहिए, और एक टीम वर्क पहचाने नहीं जाता। बहुत बार मैंने देखा है कि कोई चेयर पे बैठा होता, पास में ही होते हैं सर्वाइवर, लेकिन वो वेट किसका करते, कोई स्ट्रॉन्ग आपके सर्वाइवर आपके पास है कि जैसे एक गन वाली कहीं है तो वो आके बचाए, या कोई और आके बचाए जो स्टंट कर सके। तो ये नहीं, आपके करीब अगर है कोई चेयर पे तो दूसरे का वेट मत कीजिए, आप जाके उसे बचाइए, क्योंकि क्या होता है चेयर उसकी दो बार वो बैठ सकता है सर्वाइवर उसके ऊपर, लेकिन आधी चेयर भरने से पहले आपको उसे बचाना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ये गेम में ऐसी गलतियाँ मत कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये गेम था, और मैं आपको दूसरा गेम प्ले वो बता रही हूँ जिसमें एज अ स्माइली फेस मैंने गेम खेला हुआ है, लेकिन वो और एक मेरा अकाउंट है उसके अंदर मैंने खेला हुआ है। मैं आपको ये गेम प्ले में पहले ही बोला था कि मैं एज अ हंटर वही वाला, और जो वही हंटर जो हमारे सामने आया था तब हमने क्या किया था, और एज अ अगर मैं वो हंटर खेल रही हूँ तो मैंने क्या किया था, तो फिर मैं वो बता रही हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे इसे पॉज कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक और अकाउंट है, इसमें है स्काई लाइटनिंग नाम है, और यहाँ पे देखिए ज़्यादातर इसमें मैंने यही खेले हुए, ये देख सकते हैं आप हंटर है ये सब, यही मैंने खेले। तो आपको मैं बता रही थी स्माइली फेस को हमने अभी फेस किया था, और एज अ स्माइली फेस मैंने जो खेला हुआ है वो बता रही हूँ। और इसमें मज़ेदार बात आपको ये भी बता रही हूँ कि हमें जो मैप मिला था हॉस्पिटल वाला, वो सेम मैप है ये, जहाँ पे अभी मैं बन के आई हूँ, ये स्माइली फेस जो अभी हमें मिला था, और हमने उसको किस तरह से यानी कि उसकी विकेट निकाल के हम लोग विक्ट्री हमारे पास आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे मैं हूँ स्माइली फेस, मेरे पास वही एबिलिटी होगी जो मैंने उसमें आपको ऑलरेडी बताई कि ये लॉन्ग डैश बना सकता है, ये मैं हूँ। यहाँ पे देखिए कैसे मैं हिल रही हूँ। देखिए मुझे एक पार्ट मिल गया, मुझे पहले पार्ट्स वगैरह भी देखने, अगर जो मिलते हैं तो मुझे पार्ट्स देखने। यहाँ पे देखिए डॉक्टर है टीम में, यहाँ पे काउबा है, ये मशीनरी है दो, वो जल्दी नहीं गिरता है फाइट खा खा के भी, और देखिए यहाँ पे एक फ्लेयर गन वाली भी है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ जो मुझे पार्ट्स मिल रहे हैं, अगर कहीं लॉन्ग डैश करने मिला तो, वरना लॉन्ग डैश हमारा कभी कभी वेस्ट जाता है, क्योंकि हम कहीं भी
अटक जाते हैं तो वो वेस्ट जाते हैं, लेकिन आप लगा के रखो। देखिए यहाँ पे मैंने उसे अनलॉक कर दिया है, नहीं तो ये अनलॉक होने के लिए दो बार हमें किसी को भी मारना पड़ता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे देखिए ये पार्ट्स ही जमा कर रही हूँ और ये भी देख रही हूँ कि कहाँ यानी मशीनें हैं, तो उनके पास करीब करीब जाके आप देखिए कहीं ना कहीं आपको सर्वाइवर मिल ही जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कोई है नहीं, आप लाइन में चले जाइए। और मेरे पास ब्लिंक है, एक आपके पास सेकेंडरी एबिलिटी होती है ब्लिंक, ये मेरे पास ब्लिंक है, वो बहुत यूज़फुल होती है। देखिए यहाँ पे मुझे कान दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मसनरी है जो कि उसके पीछे कहीं पे खड़ा था, ये देखिए। फिर वहाँ से वो जल्दी से निकल गया, तो मैं सोच रही हूँ कहीं पीछे किस दीवारों के पीछे कहीं होगा कोई भी सर्वाइवर। ज़्यादातर लोग अलमारियों में भी छिप जाते हैं, तो ये देखिए अलमारी भी मैं देख रही हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है आपको पता है, अगर अलमारी में कोई छुपा हो और हमने अगर उसे ढूंढ निकाला तो आप डायरेक्टली वो बलून में आ जाता है, उसे दो बार मारने की ज़रूरत नहीं। तो आप भी अगर सेफ हो तभी आप अलमारी में जाओ, हंटर के आँखों के सामने अगर आप अलमारी में छुप गए तो फिर आपका काम तमाम। ये देखिए मुझे मिल गया है, ये काउबॉय है, ये काउबॉय की भी एक है। देखिए मैं ये लॉन्ग डैश करी जो मैंने बनाया हुआ था, ये देखिए मुझे इसका काम आ गया, मैंने लॉन्ग डैश बना लिया था उससे ये मुझे काम आ गया। और अब देखिए ये बहुत अच्छी काइटिंग की जगह है, यहाँ पे कोई भी अच्छे से काइट कर सकता है। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा लैग हो रहा है इस गेम में बोल रही, इतना नहीं क्यों अभी। यहाँ पे देखिए मैंने इसे ब्लिंक करके मारा है, ये देखिए ब्लिंक का इस्तेमाल ऐसे करते हैं क्योंकि आपको पैलेट विलेट तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ब्लिंक करके मार सकते हैं। नहीं तो मैं पैलेट तोड़ते बैठूंगी फिर वो आगे और चला जाएगा और वो अच्छे से काइट कर सकता है। मैं हमेशा ज़्यादातर ब्लिंक का ही इस्तेमाल करती हूँ। देखिए अभी ये तो यहाँ पे बैठ गया यहाँ पे, और ये जो मशीनरी है इन लोग ज़्यादातर बचाने के लिए ही होते हैं, यानी कि इनका काम ज़्यादा इनका फ़र्ज़ होता है कि ये डायरेक्टली ऐसे बचाए। देखिए ये भी मुझे ऐसे ही कर रहा है जैसे कि हम लोग पागल बना रहे थे कि हम चेयर को मारे, हंटर चेयर को मारे, ये बता रहे। देखिए मैंने चेयर को मार दिया क्योंकि वो मुझे हूल दे रहा था, नहीं मैं अभी बचा रहा हूँ ऐसे। तो देखिए अभी मुझे तो मेरा टारगेट तो वही है क्योंकि वो दो बार बैठेगा फिर तीसरे बार बैठेगा तो उड़ जाएगा, मैंने इसे मार दिया यहाँ पे। और मुझे ज़्यादा इसमें ये फिक्र हो रही है कि मेरा यहाँ पे थोड़ा सा लैग हो रहा है जिसकी वजह से मेरा डैश भी फंस सकता है, जो मैं डैश करने की कोशिश करती हूँ तो मैं दूसरी जगह पे भी डैश होते हुए जाऊँगी। ये देखिए फ्लेयर गन वाले ने बहुत अच्छे समझदारी का काम किया, यहाँ पे उसने मुझे स्टंट किया जिसकी वजह से देखिए मैं कितनी देर तक आड़ी तिरछी होते बैठी, जिसकी वजह से देखिए ये दूर जाने में कामयाब हो गया। ये पैलेट डाल के काइट कर रहा, अच्छा कर रहा है जो भी कर रहा है। आप देखिए मेरे पास डैश बना हुआ है, मैं सोच रही हूँ कि सीधे कहीं पर मैं डैश करूँ, लेकिन ये अच्छे से पैलेट में जा के ये काइटिंग कर रहा है। और देखिए जो ब्लिंक भी है वो मेरा बनने में भी टाइम है, इसमें सेकेंड लगेंगे 73 सेकेंड, आप देख सकते हैं 72 वगैरह, तो ब्लिंक बनने में भी टाइम लगता है जो कि आपकी सेकेंडरी एबिलिटी जो आप लेते हो उसके लिए। फिर मैंने सोचा है बहुत दूर कहीं निकल गया है तो अब क्या करें। देखिए मुझे कान भी नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आ रहा है लेकिन किसी का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वही हो। तो मैंने उसे एक तरह से मिस कर दिया, किसकी वजह से, वो फ्लेयर गन वाले की वजह से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चुपके बैठ गया, ये भी एक अच्छी बात है, अगर आप दूर निकल गए तो कहीं पे आप इस तरह से बैठ भी सकते हो चुपके। तो यहाँ पे अभी मैं ढूंढ रही हूँ कोई और मिल जाए। देखिए कान मुझे दिख रहा है या आसपास कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो छुपा हो, लेकिन यहाँ पे कोई भाग रहा है वो मुझे दिख रहा था, लेकिन मैं कैसे बोल सकती हूँ। देखिए यहाँ पे भाग रही है लेकिन मैं वहाँ नहीं देख रही थी, वो एक्चुअली बच गई, यहाँ से वो चली गई थी। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे कोई हो सकता था जो मुझे कान नज़र आ रहा था, लेकिन देखिए मुझे कान नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ के लोग निकल गए हैं। तो मुझे ये फिक्र हो रही थी कि भाई मेरा टाइम पास हो रहा है, और देखिए सिर्फ दो मशीनें हैं इस गेम में, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है जब मुझे कोई एक ही मिल जाए भीख मंगा कहीं पर तो उसका कोई मतलब नहीं है एक्चुअली विक्ट्री, या फिर टाई तो होनी चाहिए यार आप इतने अच्छे। ये देखिए यहाँ पर मुझे सामने ही मिल गई है डॉक्टर, ये देखिए। अब यहाँ पे जो हम जो लॉन्ग डैश का जो हमारा बटन है वो अगर हम दबा देते हैं तो हम डायरेक्टली मार सकते हैं। तो देखिए स्टाइल करते रहते हैं, कोई भी हंटर जब कहीं पे भी फाइट मारता है तो स्टाइल करते रहता है। अगर लॉन्ग डैश से हमने डायरेक्टली मार दिया तो स्टाइल करने की ज़रूरत ही, मैंने वहीं किया जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली इसे फिर से मार सकी। और इसने गलती क्या की थी, मैंने आपको बोला था इस तरह से पैलेट के पास नहीं रहते। ये देखिए पहले से आ गया, मैं इसे मारने की इसलिए कोशिश करूँ कि अगर ये पांगा पहले ही गिर जाता है तो मुझे बहुत आसानी होगी, लेकिन ये देखिए और एक फाइट खा के इसे इजीली बचा सकता है। ये जो है इसका काम ही होता है, मशीनरी है, इन लोगों का काम होता है रॉकेट चेयर से लोगों को बचाना है। लेकिन ये फिर से हुल दे रहा है, उसमें फिर से आगे मैंने चेयर पे मार दिया और उसने उसे उसे बचा लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, और हाँ ये देखिए लॉन्ग डैश मैंने किया था लेकिन उसी को लग गई। अब ये जाके कहीं पर भी गिरेगा ये, लेकिन मुझे चाहिए डॉक्टर। अभी देखिए अभी आप इस मशीनरी को देख रहे हैं, इसका भरते जो आ रहा है आपको दिख रहा है येल्लो, अभी जैसे ही भरेगा अपने आप गिर जाएगा। इसलिए मर्सनरीज लोग कहीं भी जाकर बचाते हैं क्योंकि इतने जल्दी ये नहीं गिरते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे मारा है, यहाँ पे काउबॉय है,
ये बलून से बचा सकता है, अगर उसने सीधे से कर लिया होता तो बलून से बचा सकता था उसको। लेकिन यहाँ पे इसकी, अब मैं बोलूँगी इडियट गिरी और या फिर ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं दोनों स्वस्थ है, देखिए कोऑर्डिनेटर और ये काउबॉय। लेकिन ये क्या चाहते हैं, ये चाहते कि जाके वो मर्सनरी जाके मरे, वही जाके उसे बचाए। ऐसा मत कीजिए, बहुत बड़ी गलती हमेशा लोग करते हैं कि वो लोग उसी को भेज देते कि जा तू ही हील हो जा, तू ही जाके मर। लेकिन ऐसा नहीं करते फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे अगर हील्ड है तो आप जाके बचाइए उसके पेड़ के। अब भी चाहते कि तू जाके मर वहाँ पे, कोशिश करे तू जाके मर, जबकि दोनों अगर जाते वहाँ पे तो बचा सकते थे क्योंकि एक ही मशीन है। इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए इसकी पूरी चेयर भर गई, अब ये उड़ जाएगी, क्या हुआ। और बेचारा वो तो क्या करेगा, देखिए वो आ गया था वहाँ तक लेकिन वो पीछे हट गया, क्यों, क्योंकि अभी वो भी गिर जाएगा ना, इसलिए चला गया। तो ये गलतियाँ करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। भी देखिए ये क्या है, यहाँ पे मुझे फिर से वही मिल गया बेचारा। एक्चुअली मुझे मशीनरी लोग इतने ये नहीं लगते, मुझे वो पसंद है मशीनरीज लोग, मुझे उन पर कभी गुस्सा नहीं आता। देखिए वो अपना एल्बो पैड इस्तेमाल करके दूर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वेस्ट कर रहा है एल्बो पैड, उसे इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अभी कहीं भी गिरने वाला है। ये देखिए गिर गया वहाँ पर वो कोपरे में। अब ये दोनों यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली अगर वो डॉक्टर को बचाते तो क्या होता फ्रेंड्स, मेरा उसमें टाइम पास होता, क्योंकि अगर आप टाइम पे बचा रहे हो लोगों को तो हंटर क्या करता है, वहीं पे चेयर पे उसकी हिफाजत करके बैठ सकता है। यहाँ पे मुझे ये डर है कि ये दूर से भी लैशो करके बचा सकता है, ये बचा सकता है, काउबॉय ऐसा करते हैं। लेकिन मैं उसे उसके पास इसलिए गई कि मैं उसे ज़ख्मी कर सकूँ। ये देखिए उसने उसे बचा लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग डैश मैंने किया था लेकिन उसे पैलेट बराबर टाइम पे गिरा, लेकिन यहाँ पे मुझे ये चाहिए काउबॉय, लेकिन यहाँ पे मैं लैग हो रही हूँ, मैं अटक गई। मैं पहले से बता दूँ कि गेम खेलते हुए मैं शुरू से थोड़ा लैग हो रही थी, उसमें मुझे फिकर हो रही थी। मुझे चाहिए काउबॉय क्योंकि ये अगर एक बार और बैठेगा तो ये उड़ जाएगा, इसलिए मुझे कहा। देखिए मैं यही कह रही थी कि मेरा डैश क्यों रॉन्ग हो गया यहाँ पे, क्योंकि मेरा लैग हो रहा था, नहीं तो ये अभी यहाँ पे एक पांगड़ा पड़ा होता। अभी देखिए बहुत दूर चला गया, उन लोग ने अभी ये प्राइम्ड कर दिए मशीन। इसमें इन लोग सब लोग हैं जो भी है, जितने भी अच्छे से बोरो टाइम है इनके पास, देखो सब जितने भी पांगे थे कैसे ठीक होके भाग रहे। देखो काउबॉय, काउबॉय को देखो, वो तो ऐसे कर रहा है जैसे कि भाई उसने तो बुरी बाजी मार ली यहाँ पर। देखिए ये काइटिंग एरिया बहुत अच्छा है, इसका जिम्मेदारी ये है कि मुझे इतना काइट करे कि बाकी के लोग निकल जाए, ऐसी इसकी जिम्मेदारी है। ये देखिए यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास ब्लिंक है। देखिए मैं ब्लिंक के जरिए बिना पैलेट तोड़े अंदर आ गई, देखा आपने, आपको पीछे पैलेट दिख रहा है। मेरे पास अगर ब्लिंक नहीं होता तो मुझे तोड़ते बैठना पड़ता है, फिर दूसरी तरफ से घूम के आना पड़ता, तब तक ये काइटिंग एरिया में अच्छे से काइट कर सकता था। लेकिन ब्लिंक ने मुझे यहाँ पे बचा लिया और मुझे मिल गया एक दो किल्स। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो भी बाजू में है, बाजू में जो दरवाज़ा है वहाँ पे कोई ना कोई होगा, तो मैं इस डैश के जरिए करीब पहुंच गई। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है, उसे पता चल गया कि भाई लाल आंखें वाला है, एक फाइट पड़ते ही गिर जाएंगे। तो ये है डिटेंशन जो हंटर के पास होना ज़रूरी होता है। देखिए डिटेंशन है, इसकी वजह से मुझे सिर्फ इसे एक ही फाइट मारना है, एक फाइट से ही जाएगी, काम से जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने, हाँ और एक बात है, अगर मेरे पास डिटेंशन हो और अगर मैं डैश करके मारती हूँ तो वो ज़ख्मी ही होंगे, डायरेक्टली वो नहीं गिरेंगे। तो अभी मुझे इसे एक बार ही मारना है और मेरे पास ब्लिंक नहीं है। देखो ब्लिंक बनने में टाइम है 100 सेकंड है, वो अच्छा कर रही है एक्चुअली इतनी सी जगह पे भी। लेकिन अभी मुझे डिटेंशन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए भाग रही, अभी इसे यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ का पैलेट अभी टूट गया है, तो ये कभी भी यहाँ पे सेफ नहीं है, इसलिए इसे दूर चले जाना चाहिए। यही सोच के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है और इसे पड़ गई। आप देख सकते हैं मशीनरी वहाँ से भाग गया है, क्योंकि बचाना भी मुश्किल है, ज़्यादातर लोग चले जाते हैं या फिर बचा भी सकते हैं अगर यहाँ का दरवाज़ा खुला होता है। तो मशीनरी लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो लोग दो बार फाइट खा सकते हैं आराम से, लाल आंखें वाले की भी एक फाइट खा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं गिरेंगे। तो अगर ये दरवाज़ा खुला होता तो ये ईजिली उसे बचा कर यहाँ से निकल भी जाते वो लोग, क्योंकि ऐसा करते हैं। लेकिन ये दरवाज़ा खुला नहीं था, इसलिए वो दूसरी तरफ से जो दरवाज़ा उसने खोला वहीं से वो निकल गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बताना चाहती कि यही वो जगह थी जहाँ पर हम लोग परफ्यूमर बन के काइट कर रहे थे और हमने उसको हरा दिया था। और यहाँ पे आपने भी देखा कि लोग भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने क्या गलतियाँ की कि उन लोगों ने सिर्फ एक ही आदमी को बोला आप तू ही जाके बचा क्योंकि तू बचाने वाला। तो ऐसा बात नहीं है फ्रेंड, जिसको बचाने का मौका मिलता है जाके बचाए। हाँ बेसमेंट से बचाना मुश्किल है, लेकिन अगर दो लोग गए एक साथ तो भी आसानी, क्योंकि वो बॉडी ब्लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन लोग इसमें बच सकते थे अगर उन लोग डॉक्टर को बचा लेते थे टाइम पर, इन लोग के साथ टाई भी हो जाती। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से गेम है और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा गेम है और इसमें एज ए हंटर खेलने में भी मज़ा आता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको एक इसका एक और एक छोटा सा गेम प्ले है वो भी इसमें मैं ऐड करूँ, तो हो सकता है आपको वो भी पसंद आए। तो मैं इसे पॉज कर देती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैं इसके अंदर एक और गेम प्ले जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग यार, एज अ स्माइली फेस बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो मैं दिखाने वाली थी, लेकिन देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एक्चुअली, और इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ मैं तो। एक्चुअली ये दोनों मैंने बहुत सारे ऐसे गेम प्लेस किए खेले हुए एज अ सर्वाइवर, एज अ हंटर, बहुत अच्छे अच्छे जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती है, कुछ फनी मोमेंट्स भी होते हैं, और मैं फनी मोमेंट्स में भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अब चाहती थी कि मैं इसको और एक इसमें ऐड करूं, लेकिन अब मैं नहीं ऐड कर रही हूं, मैं फिर कभी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको और भी इंटरेस्टिंग किरदारों से मिलाओ, आपने ज़्यादा लोग देखे नहीं है इसमें कैसे सर्वाइवर होते हैं, उनकी क्या एबिलिटीज होती है, और कितने अजीब तरह के हंटर भी होते हैं, जबकि ये हंटर बहुत सिंपल है, आपको एक से एक हंटर मिलेंगे इसमें जिनकी एबिलिटी देख कर ही आप चकरा के गिर जाओगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और ऐसे ही गेम प्लेस के लिए और हमारे दूसरे फनी वीडियोस के लिए हमारे चैनल ऑल खेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो घंटी का निशान होता है उसे जरूर दबाइए नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तो थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गुड बाय फ्रेंड्स।